दोस्तों बात करें वर्तमान में साउथ इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पेड और मशहूर अभिनेत्री की, तो उसमें रश्मिका मंदाना सबसे पहले नंबर पर आती हैं, जिन्होंने फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ जहां खूब नाम और दौलत शोहरत कमाई थी, तो वहीं देश भर में नेशनल क्रश बनकर दर्शकों के दिलों पर भी राज किया है। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जहां इन्होंने फिल्मों के जरिए इतनी दौलत शोहरत हासिल कर ली है, तो वहीं इसके साथ ही इन्हें लोगों ने नेशनल क्रश का भी टाइटल दे दिया। पर क्या आप ये जानते हैं कि आखिर लोगों ने इन्हें ये टाइटल क्यों दिया है, क्यों लोग रश्मिका मंदाना को नेशनल क्रश कहकर बुलाते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी दौलत शोहरत की कहानी से लेकर नेशनल क्रश बनने तक की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। पर उससे पहले आप इनके लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली रश्मिका मंदाना आज गीता गोविंदम, किरिक पार्टी और पुष्पा जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर देश की सबसे मशहूर अभिनेत्री बन चुकी हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में ही आज 33 करोड़ की नेट वर्थ अपने नाम कर ली है, जिससे इन्होंने हैदराबाद और मुंबई में काफी बड़ा आशियाना बनाया है। तो वहीं इनका गोवा में भी एक काफी खूबसूरत घर है, जिनके इस घर में ढेरों कमरे, शानदार लिविंग रूम, बालकनी, गार्डन सब मौजूद है। वहीं इनके इस घर को काफी खूबसूरती से सजाया गया है, जिसमें इन्होंने शानदार झूमर से लेकर खूबसूरत पेंटिंग्स और इंटीरियर डिजाइनिंग कराई है, जिसकी वजह से इनके घर की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। घर पर पैसा लगाने के साथ साथ ही अपनी लाइफ स्टाइल पर भी काफी पैसा खर्च करती हैं। इनके कपड़ों से लेकर इनके फुटवियर तक काफी अच्छी खासी कीमत रखते हैं, और यही वजह है कि इनके वार्डरोब कलेक्शन में आपको गुच्ची और अरमानी जैसे एक्सपेंसिव ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जिनकी कीमत करीब 60 से 70 हजार होती है। तो वहीं इनके फुटवियर कलेक्शन में आपको जिमी चू और ली कूपर जैसे एक्सपेंसिव नाम देखने को मिलेंगे, जिसकी कीमत करीब 40 से 50 हजार रुपए से शुरू होती है। वहीं रश्मिका मंदाना के पास बैग्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन है, जिसमें आपको क्रिश्चियन लुबोटिन और डियोर जैसे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इनके हर एक बैग की कीमत 3 लाख से शुरू होती है। इसी के साथ बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो बता दें इनके पास 50 लाख की मर्सिडीज सी क्लास, रेंज रोवर, ऑडी Q3, टोयोटा इनोवा और क्रेटा जैसी गाड़ियां हैं। और बात करें कि ये नेशनल क्रश कैसे बनी, तो बता दें रश्मिका मंदाना ने अपने करियर की शुरुआत साल 2016 में आई फिल्म किरिक पार्टी से की थी, जो कि रिलीज होने के साथ ही हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक बन गई। इसकी वजह से ही रश्मिका के करियर को उड़ान भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी, और इसी वजह से इन्हें आगे चलकर अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए, और उन्हीं में से एक रही इनकी फिल्म गीता गोविंदम, जिसमें इन्होंने अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ पर्दे पर अपनी खूबसूरत केमिस्ट्री तो शेयर की ही थी। साथ ही इस फिल्म में जिस तरह रश्मिका मंदाना क्यूट क्यूट से एक्सप्रेशन देती हुई नजर आई थी, उसने दर्शकों को इनकी हर एक अदा का दीवाना कर दिया था, जिसकी वजह से रश्मिका मंदाना बेहद कम उम्र में ही एक न्यू कमर होने के बावजूद देश भर में मशहूर हो गई, जिनकी प्यारी सी मुस्कुराहट और नूर जैसे चेहरे ने लोगों को इन्हें नेशनल क्रश तक का टाइटल देने पर मजबूर कर दिया था। और इस तरह बेहद कम समय में ही रश्मिका मंदाना अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ आगे निकल गईं, जिनके करियर में डियर कॉमरेड, देवदास और अंजनी पुत्र जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों ने इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराई, और इस तरह से आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, जहां अब बॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी इन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए लाइन में लगे हैं। तो दोस्तों आप रश्मिका मंदाना की दौलत शोहरत और उनके नेशनल क्रश बनने तक की कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।